कुछ आपके जैसे हथकंडे कहते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ वर्किंग स्टाइल की बात करता हूँ। आप इतने न्याय के प्रतिबद्ध है, आपकी संस्था का मिशन भी एक न्याय दिलाना है, तो आपकी कुछ स्टाइल, आपकी कुछ नीति रीति, आपकी कुछ टेक्निक ऐसी रही है कि जो कंट्रोल चल रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास सब है और वो ओपन फैक्ट्स है, लेकिन जैसे मान लो ये अपना रईस खान का बात हुआ, वो आपका ही कलीग था, उसने जाके एफिडेविट किया कि आपने कैसे कैसे जो साक्षियों पर ये किया वो काफी कुछ हुआ, तो वो कैसे हुआ? अभी मैं बताऊँ, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने बोला कि आपका मैं सवाल, मैं भी आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, तो अभी मुझे पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा सवाल पूछने दिया। ओके, रईस खान 2002 के जून जुलाई में ज्वाइन हुआ संस्था को, और 2008 के 18 जनवरी को उसको निकाला गया। आप जरा डेट का थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा। इनको क्यों निकाला गया 2008 के जनवरी में? क्योंकि हमें विटनेस के जरिए कंप्लेंट मिले कि वो उनको बुला के गलत गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, और हमें ये भी खबर मिली कि एक दो VHP के लोग थे जिसके साथ वो संपर्क बढ़ाने की कोशिश में था। ये SIT स्थापित होने के पहले की बात, 18 जनवरी 2008, ठीक है? तो हमारी संस्था ने डिसीशन लिया कि ये आदमी को निकाला जाना चाहिए, ठीक है? उनको निकाला गया संस्था से, वो तो एक संस्था का अधिकार है कि कोई मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है? अच्छा, अभी उनकी कार्रवाई कब शुरू होती है? जनवरी जाता है, फरवरी जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा साल 9 निकल जाता है, 10 निकल जाता है, और 10 की सितंबर मतलब कितना, 2 साल 10 महीने के बाद उसकी कार्रवाई तब शुरू होती है जब ज़किया जाफरी के केस को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स भी ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर तक पहुँचते हैं। तो हमारा मानना है कि पूरे उसके बाद उन्होंने SIT में 3 जगह एफिडेविट की, नानावटी कमीशन में की, मैं आपको बताती हूँ, सरदारपुरा में की, नानावटी में की, गुलबर्ग में की, नरोडा पार्क, तो ही वॉज फॉरम शॉपिंग, फॉरम हॉपिंग, और उनका बैकिंग भी था, विदाउट बैकिंग ही कैन नॉट डू इट, ठीक है, उनका अधिकार है। हमने हर जगह उनका जवाब दिया, सरदारपुरा का जजमेंट आया, सरदारपुरा ने उनको दोषी ठहराया। सवाल ये है कि ये आदमी 2 साल 10 महीना खामोश क्यों था? अगर उनको इतना सब कहना था, Why did he not start speaking before SIT was appointed? Why did he not start speaking before the Zakia Jafri case took off? It is only when powerful accused in this state of Gujarat, including the former chief minister, felt